अ बैग कंटेन 15 बॉल्स, इसमें 15 बॉल्स हैं टोटल, जिसमें एक्स बॉल हमारी ब्लैक है। कैसी है? ब्लैक बॉल है। रिमेनिंग आर रेड। अच्छा ये बताओ, अगर 15 बॉल टोटल हैं, एक्स अगर हमारी ब्लैक है तो जाहिर सी बात है 15 में से एक्स को हटा दूं तो क्या 15 माइनस एक्स बॉल हमारी रेड हो जाएंगी? पहले तो ये समझो, पहली एक चीज तो ये समझो। इसी बीच 100 रुपए का एक बच्चे ने सुपर चैट दिया है, लिखते क्या है जरा ये पढ़ लेते हैं। सर माई प्री बोर्ड आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जनवरी, अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं क्या अच्छा ला पाऊंगा जस्ट बाई डूइंग एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? बेटा आर्यन, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या करिए, सिर्फ एनसीईआरटी कर लो और जो मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस करवाए ना वो कर लो बस, ठीक है? और आप कुछ भी अभी नहीं करना है, एग्जाम्पलर अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर आपने सॉल्व अभी बिल्कुल नहीं करी है, टाइम नहीं है उसके लिए, मैं आपके लिए बेहतरीन चीज कर दूंगा। पहले आप टॉप 25 क्वेश्चंस कर लो, और एक मैंने जो सीक्रेट फोल्डर है ना, ये डाउट इंजन है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उतने कर लो, सफिशियंट है, उतने कर लो सफिशियंट है, कोई जरूरत नहीं है आपको एनसीईआरटी एग्जाम अभी फिलहाल सॉल्व करने की, ठीक है? तो अच्छा इस क्वेश्चन में क्या लिखा फिर सुनो, 15 बॉल टोटल हैं जिसमें एक्स ब्लैक है, तो 15 में से एक्स को हटा दिए तो इतनी रेड होंगी। इफ नंबर ऑफ रेड बॉल इंक्रीज बाई 5, यानी अब दूसरा केस क्या बोल दिया है कि जो रेड बॉल तुम्हारे पास थी, अभी देखो अभी एक्स हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन रेड में बोला है 5 बॉल इंक्रीज कर दो। अच्छा अभी 15 माइनस एक्स था, 15 में 5 ऐड कर दो, तो क्या अब हमारे पास जो रेड बॉल होंगी क्या वो 15 में 5 ऐड करोगे तो क्या 20 20 माइनस एक्स हो जाएंगी? ठीक है 20 माइनस एक्स। अच्छा पहले 15 बॉल थी तो इसका मतलब अब कितनी बॉल हो जाएंगी? 20 बॉल हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है, समझ रहे हो भाई? सीधी बात है, अभी इस कंडीशन में 5 बॉल ऐड कर दी तो 20 बॉल होगी टोटल, और रेड कितनी हो जाएंगी? 20 माइनस एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल डबल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, मतलब इसका कहने का मतलब ये है जब आपने 5 बॉल ऐड कर दी तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पहले वाले से डबल हो जाती है, समझ रहे हो? मतलब रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा यहां पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ओल्ड लिख देते हैं, ओल्ड और न्यू, तो ठीक है मतलब समझ रहे हो, ओरिजिनल बोल दें इसको, इसको ओरिजिनल लिख दो, ओल्ड मत लिखो ओरिजिनल लिखो, ठीक है? इधर क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, क्या वो प्रोबेबिलिटी 15 माइनस एक्स अपॉन 15 होगी? या 15 माइनस एक्स फेवरेबल, टोटल बॉल थी 15, और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल न्यू बोल सकते हैं, न्यू न्यू कंडीशन में, इसमें बॉल हमारे पास कितनी है 20 माइनस एक्स, और यहां पे कितनी बॉल टोटल है 20। तो आपको जो कंडीशन दे रखी है वो कुछ ऐसी दे रखी है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है न्यू बॉल की, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो पुरानी ओरिजिनल कंडीशन है उससे डबल है, लिखा है ना उससे डबल है, तो भाई डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो। डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, ठीक है? अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो 20 माइनस एक्स अपॉन 20 बराबर ट्वाइस ऑफ 15 माइनस एक्स अपॉन 15, ऐसा लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है, 5 से कैंसिल करो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, अब 3 को कर दो यहां मल्टीप्लाई, 3 ब्रैकेट में 20 माइनस का x, 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो 8 ब्रैकेट में 15 माइनस x। जरा फटाफट सारे बच्चे x बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है x देखो कितना आ रहा है, तो 60 माइनस का 3x बराबर 15 120 -8x, तो ये इधर आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 60। तो क्या बेटा x 12 आ रहा है? क्या क्या x हमारा 12 आ रहा है? तो अगर आप x को 12 यहां रख दो यहां, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें मिल जाएगी। मैं निकालना ही क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो 15 माइनस 12 अपॉन 15 यानी 3/15, तो क्या आंसर 1/5 आएगा, ए पार्ट। कितने बच्चों का आंसर आ गया है?